पुलिस स्टेटमेंट में आपका नाम दे दिया तो अब गिरफ्तार कर सकते। आखिरी बार इंसान अपनों को देखता है, कम से कम उन्हें वहाँ अपनी चीता पर शांति से सोने दो। ये दंगल को गोली लगी थी, मर्डर किया किसी ने उनका। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हो गया। मैं जब तक पापा की मौत का बदला नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दी, दी रो लो, लो दी, ना ये घुटन तुम्हें मार दे। मौत भी नहीं मार सकती है मुझे। तुम भी अपने आंसू पोंछ लो, अब से मैं तुम्हारी और मेरी आंखों में सिर्फ खून देखना चाहती हूँ, समझी तुम? पोंछ ले। आपके बिना जी पाऊंगी कभी नहीं सोचा, लेकिन अब जीना पड़ेगा। किसी को मारने के लिए जीना पड़ेगा। मैं जानती हूं वो लोग कौन है जिनकी वजह से आप हमसे दूर चले। कलश का विसर्जन मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मैं उन लोगों का नाम ना मिटा। हमारी जिंदगी से भी और इस दुनिया से। डॉक्टर, मैं ये टैटू मिटाना चाहती हूँ। हाँ, इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करना ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर्जरी से टैटू मिट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी से तो पूरा नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन जिसके नाम का टैटू है उसकी यादें कोई सर्जरी नहीं मिटा सकती। जानती हूँ, आप सिर्फ मेरे जिस्म से ये नाम मिटा दीजिए, अपनी ज़िंदगी से तो ये नाम मैं कब का मिटा चुकी। किसी और को गोली मारना चाह रहा था, वो गलती से रेत को लग गई। ये पुलिस का मानना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे पापा की हत्या के पीछे आप में से किसी का हाथ है। छुपाओ कैसे लग छनरी में दा
कातिल आखिर कौन हो सकता है? वेद मुंबई में हमारे सिवा किसी और को जानता भी नहीं था। हमें भी कहां ठीक से पहचान पाए थे वेद अंकल दार? गिले शिकवे सब अपनी जगह है। मानता हूं कि मेरी कुछ गलतियां थी, वेद की थी, लेकिन इसके लिए उसका खून कर दे, ये कैसे हो सकता है? और पता है, वेद का खून हुआ है प्रेम, खून, can you believe it? पुलिस का मानना है कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। शायद कातिल किसी और को गोली मारना चाह रहा था, वो गलती से वेद को लग गई। ये पुलिस का मानना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे पापा की हत्या के पीछे आप में से किसी का हाथ है। विधि, ये क्या कह रही हो तुम? चुप रहना आज। आज तो बिल्कुल चुप रहना, समझे? यही वो घर है, यही वो चौखट है ना, जहां पे मेरे पापा ने आपकी वजह से अपने आप को थप्पड़ मारे थे। यही यही चौखट पे आप लोगों ने मुझे चोर बना के गिरफ्तार करवाया था। यही घर, यही चौखट पे मेरे पापा ने कुछ कसमें खाई थी। आज यही घर, यही चौखट पर तुम सबको ये चेतावनी दे रही, बच के रहना। अब तो बच के रहना। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे पापा के हत्यारे आप में से कोई, इसी चौखट से घसीट के लेके जाऊं। देखो बेटा, हम जानते कि तुम अभी होश में नहीं हो, वेद की मौत की वजह से तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन तुम हम पे इल्जाम लगा रही। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने ये गुनाह नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है हमारे खिलाफ? सबूत तो आपके पास भी नहीं अपनी बेगुनाही का। विधि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप भी कुछ बोलिए। मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैंने अभी तक मेरे पापा की अस्थि का विसर्जन नहीं किया, और मैं उस अस्थि की कसम खा के कहूं, उन्होंने जो चैलेंज आप सबको दिया था ना, वो मैं पूरा करूं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो विधि? देखो वेद मेरे बचपन का दोस्त था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो आप अपने बचपन के दोस्त के अंतिम संस्कार में तो जरूर आते, वहां भी नहीं आए। तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के खिलाफ आप लोगों से पहले सबूत ढूंढ के रहूंगी मैं। आप सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहे, आपका और मेरा आज के बाद सामना ना। रोशन, मलिका और प्रेम से दूर रहना, संभाल कर रहना। अगर वो तुम्हें चोर बनाकर जेल भेज सकते हैं तो कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, सो बी अलर्ट। आज पेट भरकर खाना खाएंगे, पता नहीं दोबारा ये मौका मिलेगा।
विधि यहाँ अकेले भी। दीरवाली नहीं कहोगे मुझे? दीरवाली तो तू है ही ना। देख रब्बू को उसके हाथों से जब मेरे अब्बू चले गए थे ना, तब मैं इतना छोटा था कि उनकी कब्र में मिट्टी डालने के लिए भी हाथ छोटे पड़ रहे थे। तेरे अब्बू मेरे को पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे तो होंगे ही ना, ना तू क्यों इतना रोती है उनके लिए, है ना? कुछ खाएगी? शमशान से वापस आया तूने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। अब ऐसे भूखी रहेगी तो तेरे अब्बू को भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ को खो दिया, पापा को भी खो दिया, ऐसा लग रहा है मुन्ना जैसे हम लोग अकेले हो गए। मैं और मुन्ना, तू ही मुझे बता पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा ने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मस्जिद जाऊंगा तब खुदा से जरूर पूछूंगा। मैं छोड़ दे, मत रह तू यहां, चली जा अपने शहर। नहीं, सारी फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं ना आप? हाँ, अच्छे बुरे सारे चेहरे पता है आपको, है ना? मुझे वो चेहरा वो नाम चाहिए जिसने मेरे पापा पर गोली चलाई है। अभी हिसाब बाकी है। जिन लोगों ने मेरे पापा की हत्या की है ना, अगर मैंने उनको बख्श दिया तो मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गोली मार के हत्या की है उन्होंने मेरे पापा की। तेरा दोस्त है, मान जा। मुन्ना, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, तो मेरा एक काम जरूर कर। अगर कभी मैं लड़ते लड़ते थक जा, अगर किसी दिन मेरे आंसू मेरे इरादों को कमजोर कर दे, तो मुझे खींच के थप्पड़ मार और कहना कि उठ तकदीर वाली, जिन्होंने तेरे साथ ही किया है उनकी तकदीर दबा कर दे। इस तकदीर को भले तो कुछ ना कर पाए, सच्चा दोस्त है ना मुन्ना, तो इतना जरूर करना मेरे लिए। आज के बाद कभी भी मुझे ये मत कहना कि वापस चली जा। मेरे पापा की हत्या हुई है, मार दिया गया है उन्हें, ना मैं ये बात कभी भूलूंगी, ना मैं कभी अपने दुश्मनों को ये बात भूलने दूंगी। बस अब तू बनेगी फिल्म स्टार, अब तू बनेगी फिल्म स्टार, क्योंकि जिनकी मंजिल बदला लेने की भावना होती है वो कभी हारते नहीं। तू जरूर फिल्म स्टार बनेगी। रग रग में है भरा बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं मैंने, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है मैंने, अपनों को पराये होते हुए देखा है मैंने, पैसों से बिकते हुए देखा है मैंने, लेकिन पैसों के लिए किसी का खून बहना ये पहली बार देख रहा हूं मैं। विधि, ये सब है ना पैसों का खेल है, पैसों का।
जानती हूँ, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये क्या है? ये लीजिए। पुश्तैनी गहने इसलिए महंगे नहीं है क्योंकि ये पुश्तैनी है, बल्कि इसलिए कीमती है क्योंकि ये मेरी माँ के है। और भी कुछ पैसे रखे होंगे पापा ने, कुछ और चीजें भी है जिनको बेचकर और पैसे आ जाएंगे। सब लाकर दे दूंगी मैं आपको। क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। इसके बदले में मुझे ये जानना है कि मेरे पापा का हत्यारा कौन है। सारी फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं ना आप? हाँ। अच्छे बुरे सारे चेहरे पता है आपको, है ना? मुझे वो चेहरा वो नाम चाहिए जिसने मेरे पापा पर गोली चलाई है। गोली तो कोई भी चला सकता है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जिसके इशारों पर गोली चलाई गई हो और जिसका दाम भी उसने दिया हो। रोशन साहब, मल्लिका जी, अंकिता, कुछ चार पांच लोग हैं तुम्हें जिन पर शक हो, अब फिर क्या जानना चाहती हो? सबूत, सबूत चाहिए मुझे जोशी जी। जितने पैसे सारे आपको दे दूं, जिंदगी भर कमाऊंगी, जिंदगी भर आपको पैसे देती रहूंगी। एक गरीब और सच्चे बाप की मौत की कीमत आप ही लगा लीजिए। एक मिनट है, लड़की दलाल समझ के रखा है मुझे, है? मानता हूं कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, है? बिका हूं मैं, लेकिन इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं है ये जोशी, नहीं है। जब तुम्हारे पापा की चिता जल रही थी ना, तब मुझे एक बात याद आ रही थी, तुम्हारे पापा दो बेटियों के साथ उस दरवाजे पर खड़े थे, बेबस होकर खड़े थे तुम्हारे पापा। तो पता है विधि, कुछ हद तक तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार ये जोशी भी है, है ये जोशी? क्योंकि रोशन साहब तक ले जाने वाला मैं ही था। अगर उस दिन तुम्हें दरवाजे के बाहर धक्के मारकर निकाल देता ना, तो शायद आज तुम्हारे पापा जिंदा होते। अपनी माँ की यादों के बदले अपने पापा की मौत की खबर का सौदा मत कर। इस साजिश के पीछे जो कोई भी है, उसके मुंह से नकाब हटा के रहेगा ये जोश। मुझे जो कुछ भी खबर मिलती है ना, ये जोशी तुझे बताएगा। लेकिन हो सकता है कि सारे सबूत उनके खिलाफ हो जिनके लिए आप काम करते हैं। फिर भी ये जोशी तेरे साथ खड़ा रहेगा विधि। क्यों?
क्योंकि ये जोशी सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, और उसके साथ साथ में जय श्री कृष्ण भी बोलता है। और कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हारे अपने युद्ध में तुम्हारे सामने ही क्यों ना खड़े हो, लेकिन साथ सिर्फ और सिर्फ धर्म का दे। और ये जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान हम सबका सबसे बड़ा साहब है, साहब है वो। ये ले जोशी जी। मानता हूं कि जोशी ही सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए काम करेगा ये जोशी है? सिर्फ तेरे लिए। ए विधि, तुझे याद है मैंने तुझसे कहा था कि अगर सही वक्त पे मेरी शादी हो जाती ना तो तुम्हारे जितनी मेरी बेटी होती। इस साजिश के पीछे जो कोई भी है उसके मुंह से नकाब हटा के रहेगा ये जोशी। जो करना है करो, मरो मारो जो करना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर आप तुम्हारी बेवकूफियों की या तुम्हारी गलतियों की वजह से उंगली अगर मेरी तरफ उठती ना तो मैं तुम्हारे नाम की भी सुपारी दी। मैं तो आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन उस लड़की की मरने की खबर आप तक पहुंच जाएगी। चलता हूं।